हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 55 देखेंगे। एक्चुअली में ये 55 तो नहीं है, ये 54 का ही पार्ट है। क्योंकि 54 में क्या था कि मैं आई थिंक 45 मिनट का वो लेक्चर था और उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया था। तो मैंने बोला कि मैं इस लेक्चर को अभी पॉज करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पॉज करने के बजाय मैंने उसे स्टॉप कर दिया, यानी वो जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। तो चूंकि वो बन गया था तो फिर मुझे यहाँ से एक नया लेक्चर करना पड़ा। तो आप इस लेक्चर नंबर 55 को 54 का ही कंटिन्यूएशन समझें, ठीक है? तो इस लेक्चर में भी हम पावर्टी इस्टीमेशन इन इंडिया की ही बात कर रहे हैं। 54 में हम कहाँ थे? हमने देखा था कि पावर्टी लाइन बाई प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, यानी 2009 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो पावर्टी लाइन बनाई थी, दैट पावर्टी लाइन वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा ऑफ हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड बाई एनएसएसओ। एनएसएसओ ने उनको जो इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा प्रोवाइड की थी, वो डेटा टाइप, उस डेटा का नेचर क्या था? दैट डेटा वॉज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड डेटा। यानी कि जब भी हम हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें कुछ फूड आइटम्स होते हैं, कुछ नॉन फूड आइटम्स होते हैं। फूड आइटम्स ही उसका मेजॉरिटी पोर्शन होते हैं, नॉन फूड आइटम्स में कुछ ही चीज़ें होती हैं, ठीक है? लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर, लाइक हाउस रेंट, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशनल, मेडिकल एक्सपेंस, दिस थिंग्स, ठीक है? तो इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को कलेक्ट किया गया था दो रिकॉल पीरियड पे। एक साल का रिकॉल पीरियड 5 आइटम के लिए चुना गया, यानी जो भी हाउस होल्ड हैं उनसे इन 5 आइटम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1 साल के टाइम पीरियड पे पूछा गया। वो 5 आइटम कौन से हैं? क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशनल और मेडिकल एक्सपेंस। इनके अलावा बाकी जितने भी आइटम हैं उन सब के लिए जो भी हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा गया वो 30 डेज के पीरियड के लिए था। यानी बाकी आइटम्स के लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 30 डेज का है, ओके? यानी 30 डेज का रिकॉल पीरियड या 30 डेज का वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है। और फिर इसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को यूज करते हुए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में जो पावर्टी लाइन बनाई थी वो 2004-05 के प्राइसेस पे था। वो पावर्टी लाइन यहाँ मैंने नहीं मेंशन की है, लेकिन जब हमारे पास 2011-12, मतलब एनएसएसओ ने फिर जब 2011-12 में अपना लार्ज सैंपल सर्वे किया, जब हमें 2011-12 में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अवेलेबल हुई, तो हमने उस 2004-05 के प्राइसेस पे बनी पावर्टी लाइन को 2011-12 के प्राइसेस से जब एडजस्ट किया तब जाकर ये पावर्टी लाइन आई पर पर्सन पर डे। यानी 27 रुपये और 32 रुपये, ये जो पर पर्सन पर डे है ये 2011-12 के प्राइसेस पे है। इसी तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन 4-5 के प्राइसेस पे इससे काफ़ी कम थे, ठीक है? तो ये पावर्टी लाइन 11-12 के प्राइसेस पे ही याद रखिएगा। अब इसके आगे की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, ओके, जब प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 11-12 प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जो पावर्टी लाइन थी जब उसको 2011-12 के प्राइसेस से एडजस्ट किया गया तो ये पावर्टी लाइन बनकर आई। इस पावर्टी लाइन के हिसाब से जो पावर्टी निकल कर आया इंडिया में, और मैंने आपको बोला ना जो पावर्टी है उसी को हम पावर्टी रेशियो बोलते हैं, ठीक है? उसको हम एच से लिखते हैं। वो पावर्टी कितना निकल कर आई? इट इज़ 25.7%। यानी भारत के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ तकरीबन 26% लोग गरीब हैं, और शहर में ये पावर्टी इस थ्रेशोल्ड के हिसाब से शहर की पावर्टी कितनी बनी? तो अगर मैं सिंपली एच लिख दूं जिसको पावर्टी रेशियो और इन शॉर्ट पावर्टी आप कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 13.7%। यानी शहर में तकरीबन 14% लोग गरीब हैं जो इतना पैसे पर डे नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये तो था रूरल और अर्बन इंडिया का डेटा। अगर हम ऑल इंडिया डेटा की बात करें
तो ऑल इंडिया में जो पावर्टी निकल कर आई वो ऑल इंडिया पावर्टी रेशियो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ओके, ऑल इंडिया के लिए जो पावर्टी पावर्टी रेशियो, ठीक है आप बस समझ गए ना कि पावर्टी रेशियो को ही हम पावर्टी कहते हैं, उसको हम ऐसे से लिखते हैं, आप समझ लिए। ऑल इंडिया लेवल पे जो पावर्टी निकल कर आई वो थी 21.9%, जो कि तकरीबन 22% है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि ये जो हम कंजम्पशन बास्केट की बात कर रहे हैं, बीओसी, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, ये कंजम्पशन बास्केट रूरल और अर्बन इंडिया के लिए सेम रहती हैं, बस इसमें एक कंपोनेंट का फ़र्क आता है, वो है हाउस रेंट का। देखिए जो रेंट, हाउस रेंट है ना, जो रेंट कल्चर है ये शहरों में आपको मिलेगा, तो हाउस रेंट मतलब अर्बन इंडिया रूरल इंडिया के बास्केट में एक फ़र्क है, वो है हाउस रेंट। यानी हाउस रेंट आपको रूरल इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, हाउस रेंट अर्बन इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी बात कि हम ये तो समझ गए हैं कि रूरल और अर्बन के लिए हमारा बास्केट थोड़ा सा बदल रहा है हाउस रेंट की वजह से, लेकिन अर्बन इंडिया के लिए जो भी बास्केट बनेगी ना कमोडिटीज़ की, जो भी फूड आइटम नॉन फूड आइटम को मिलाकर जो कमोडिटीज़ बनेगी ना, वो भारत के सभी राज्यों के शहरों के लिए सेम होगा, क्योंकि आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो आपका कंजम्पशन बास्केट तो सेम ही रहेगा। यानी उसमें फूड आइटम्स होंगे, नॉन फूड आइटम्स, ठीक है, पान टोबैको से ये सब कुछ होंगे उसमें। तो और गांव के लिए जो बास्केट है वो गांव के लिए सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी राज्य में रहें। तो अब सवाल आती है कि ये जो पावर्टी लाइन निकल कर आई है 27 रुपये और 33 रुपये, ये ऑल इंडिया लेवल के लिए था, रूरल और अर्बन इंडिया के लिए, लेकिन सेम सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के बेसिस पे, मतलब सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा के बेसिस पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पावर्टी लाइन बनती है शहर और गांव के लिए, क्योंकि हर राज्य में अपना उनका इन्फ्लेशन लेवल अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर लूँ, अब मैं आपको यहाँ आ जाता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं लखनऊ की बात करता हूँ, लखनऊ के लिए जो पावर्टी लाइन बनेगी क्या वो मुंबई के पावर्टी लाइन के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। मुंबई में हाउस रेंट बहुत ज़्यादा है, अगर हाउस रेंट ज़्यादा है तो किसी भी रेंटेड क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठ रहा है उसका मेडिकल फीस ज़्यादा होगा। यानी मुंबई में हाउस रेंट ज़्यादा है, मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा हैं, एजुकेशनल एक्सपेंस ज़्यादा हैं, और वहाँ पे फूड आइटम्स, मतलब मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई पड़ती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोई लखनऊ में व्यक्ति रहता हो। तो कहने का मतलब है कि मुंबई में रहने वाले मीडियन हाउस होल्ड की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा के आधार पर अगर हम पावर्टी लाइन बनाएंगे तो वो वहाँ के प्राइसेस के हिसाब से हैं, वो पावर्टी लाइन लखनऊ के पावर्टी लाइन से काफ़ी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर आप मुंबई और बेंगलोर का बनाएं वो क्वाइट सिमिलर होगा, और अगर आप ऐसे भी समझें, अगर आप दिल्ली की पावर्टी लाइन किसी गांव के पावर्टी लाइन से बनाएं तो बहुत फ़र्क होगा, बिकॉज प्राइसेस में बहुत फ़र्क है शहर और गांव में। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के शहर की पावर्टी लाइन डिफर कर सकती है, बिकॉज एक स्टेट, जैसे मान लीजिए झारखंड में जितने भी शहर होंगे वो शहर कर्नाटका में या मुंबई में जितनी भी सिटीज़ हैं, मुंबई के सिटीज़ के लिए जो पावर्टी लाइन बनेगी वो झारखंड के सिटीज़ के पावर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा होगा। तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग पावर्टी लाइन होती है, बिकॉज हर स्टेट में इन्फ्लेशन लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो दो राज्यों के शहरों के पावर्टी लाइन अलग हो जाएगी, दो राज्यों के गांवों की पावर्टी लाइन अलग हो जाएगी, इस तरह से हर स्टेट का अपना पावर्टी लाइन है, हर स्टेट का उसके अपने शहर और अपने गांव के लिए अपना एक पावर्टी लाइन है, लेकिन वो बनती कैसे है, इसी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, दैट इज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड डेटा।
और इन्हें उन्हें कौन बनाता है, उन्हें बनाती हैं स्टेट मिनिस्ट्रीज। स्टेट के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, वो लोग अपनी पॉवर्टी लाइन इस्टीमेट करती हैं, ठीक है। पर उसको इस्टीमेट करने का बेसिस क्या है, दे यूटिलाइज द बेसिस ऑफ प्रोफेसर सुरेश तंदुलकर कमेटी। अच्छा, वो खुद बैठ के इस्टीमेट नहीं करती, वो बस अपने प्राइसेस को एडजस्ट कर देती हैं। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ये जो पावर्टी लाइन इस्टीमेट किया है ना, 27 रुपये 32 रुपये, ये उन्होंने ओरिजिनली नहीं बनाया था, उन्होंने ओरिजिनली तो 2004-05 के प्राइसेस बनाया था। ये हमने लेटर ऑन 11-12 के प्राइसेस पे उस पावर्टी लाइन को एडजस्ट कर दिया। उसी तरह से हर स्टेट अपने यहाँ, उनके यहाँ जो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर देती है, तो ये उनके यहाँ की पावर्टी लाइन बन जाती है। अब पावर्टी लाइन को इन्फ्लेशन से कैसे एडजस्ट करते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है लेक्चर नंबर 53 में। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन हो गई, लेकिन जब ये पावर्टी लाइन बाहर आई थी 2009 में, 2011-12 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2009 में जब बाहर आई, तो वो ये वैल्यूज नहीं थे, तो वो बहुत लो था। और अगर 2011-12 के प्राइसेस से भी देखें तो ये वैल्यू काफ़ी लो लग रही हैं। तो इस पावर्टी लाइन की बहुत क्रिटिसिज्म हुई, और इस क्रिटिसिज्म के बाद प्लानिंग कमीशन ने एक दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया पावर्टी एस्टिमेशन के लिए, वो था डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी। तो हमने पावर्टी एस्टिमेशन पे अभी तक दो कमिटीज पढ़ लिया था, लकड़वाला कमेटी, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी। इट वॉज सेटअप इन 2013 बाई प्लानिंग कमीशन। इस कमेटी में और प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी में सब कुछ सेम है। यहाँ भी जो पावर्टी लाइन बनाई गई है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा ऑफ हाउस होल्ड कलेक्टेड बाई NSSO, ठीक है। लेकिन बस यहाँ फर्क ये है कि वो जो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा NSSO ने कलेक्ट किया, यहाँ पे NSSO ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को कलेक्ट करते समय जो रिकॉल पीरियड इस्तेमाल किया है वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड, तो यहाँ पे NSSO ने जो इस्तेमाल किया वो था मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ऑल राइट। तो अब सवाल है कि हमने यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या देखा था, कि 1 महीने में मतलब जितना भी बास्केट में आइटम है उन सबके कंजम्पशन पे सीधे हाउस होल्ड से पूछ लेते हैं कि 1 महीने में इस बास्केट या आपका क्या टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और उस बास्केट में वो सारे आइटम होते हैं, क्लोथिंग फुटवेयर सब कुछ मिलाकर कितना खर्च हुआ, चाहे उन्होंने खरीदा उस महीने नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर लो होगा। लेकिन यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में ऐसा ही होता था, यही उसकी लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को दूर किया गया मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ आइटम्स होते हैं जिनका मंथली डेटा उतना रिलायबल नहीं होता है, लेकिन वीकली डेटा रिलायबल होता है, लाइक फिश मीट एडेबल ऑयल्स की। क्योंकि देखिए, अगर अगर मान लीजिए कोई फैमिली, मीडियन फैमिली, अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार चिकन खा ली, ठीक है, या उसने मीट खाया, पता चला कि उनका पूरा 1 लीटर तेल खत्म, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब फिश हो गया, मीट हो गया, एडेबल ऑयल्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब, पहली बात तो मीडियम फैमिली बहुत कम कंज्यूम करती हैं और स्पेशल ओकेजन्स पे कंज्यूम करती हैं, और मे बी कि किसी महीने कंज्यूम करें और किसी महीने ना कंज्यूम करें, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये वीकली ज़्यादा रिलायबल होता है, यानी अगर हमारे अगर मान लीजिए हम एक हमारा सर्वे सर्वे ईयर अगर मान लीजिए हम 1 साल का सर्वे पीरियड रखते हैं, या मान लीजिए 1 मंथ का सर्वे पीरियड रखते हैं,
उसमें आप हर सप्ताह जाके पूछ लें कि ओके ये कुछ आइटम हैं, इन पे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में आने वाले आइटम का वीकली अगर एक्सपेंडिचर डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो उन आइटम्स को लेकर जो कंजम्पशन डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं। कि आप अगर महीने भर में 4 सप्ताह हैं, तो आप हर सप्ताह में जाकर पूछ लिए कि इस सप्ताह में कितना हुआ, इस सप्ताह में कितना हुआ, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा आपको। यानी जो एरर हैं वो और कम हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। तो अब इस मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या आ जाएगा, इसी को बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, MMRP। तो इसमें क्या है, वही चीज़ सेम 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 चीज़ आ जाएगी कि एक तो होगा 1 ईयर रिकॉल पीरियड, वन एक तो हो जाएगा 1 ईयर रिकॉल पीरियड, 1 ईयर रिकॉल पीरियड फॉर 5 आइटम्स, ठीक है। वो 5 आइटम्स क्या हैं, क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशनल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। तो ये 5 आइटम्स पे मतलब सर्वे पीरियड कितना हुआ, 1 साल का। यानी 1 साल में हाउस होल्ड ने इन 5 आइटम्स पे कितना खर्च किया गया, यानी हाउस होल्ड से इन 5 आइटम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मंथली नहीं पूछा जाता है, ओवरऑल 1 साल का एक्सपेंडिचर पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड 30 डेज, 30 डेज रिकॉल पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम, ठीक है। मतलब ज़्यादातर आइटम के लिए 30 डेज रिकॉल पीरियड रखा गया, ठीक है। और फिर तीसरा था 7 डेज रिकॉल पीरियड, 7 डेज रिकॉल पीरियड फॉर फ्यू आइटम्स लाइक फिश, मीट, एडेबल ऑयल्स, ठीक है, फ्रूट्स। तो इनके लिए 7 डेज का रिकॉल, यानी हर 7 दिन पे इनका डेटा, कंजम्पशन डेटा नोट किया गया या पूछा गया या कलेक्ट किया गया, और 5 चीज़ों का 1 साल पे पूछा गया और बाकी चीज़ों का 30 दिन पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा पूछा गया। अगर इस तरह से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को पूछ कर कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि ये है तो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड ही, लेकिन चूंकि ये एक नया टाइम पीरियड ऐड कर देने से मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड हो गया। तो जो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी है उसने यही मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का इस्तेमाल किया, और इस तरह से, और बाकी बास्केट वही रहेगी सेम, क्योंकि कंजम्पशन बास्केट तो नहीं बदलती है, क्योंकि भाई फूड आइटम्स और इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स यही आप कंज्यूम करेंगे, और वही हर स्टेट में कंज्यूम होगा, लेकिन हर स्टेट में उनको कंजम्पशन करने पे एक्सपेंडिचर अलग अलग होगी बिकॉज उनकी प्राइसेस अलग अलग होती हैं। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन लेवल, और हाउस और शहर के बास्केट में बस रेंट का फर्क होता है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, तो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी ने 2013 में इस मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड डेटा को यूज करके जो पावर्टी लाइन बनाया, अगेन ये पावर्टी लाइन बन रही है 2011-12 के प्राइसेस पे, ठीक है। प्रोफेसर सुरेश तंदुर कमेटी की जो पावर्टी लाइन मैंने बताई थी वो 2011-12 के प्राइसेस पे एडजस्टेड थी, और ये कमेटी 2013 में बनी थी, इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा से जो भी पावर्टी लाइन बनाया था वो 2011-12 के प्राइसेस पे बनाया था। तो पावर्टी लाइन ठीक है, इन्होंने क्या पावर्टी लाइन बनाया, अब चूंकि इन्होंने ये जो 7 डेज रिकॉल पीरियड यूज किया था, इसकी वजह से क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा वो बढ़ गया, इट गेट्स इंक्रीज्ड, और 2011-12 की प्राइसेस, और 2011-12 की प्राइसेस के आधार पर इन्हें बनाया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं पावर्टी लाइन, तो ये इधर लिख लेते हैं रूरल इंडिया, और यहाँ पे लिख लेते हैं अर्बन इंडिया। तो इन्होंने रूरल इंडिया के लिए जो पावर्टी लाइन सजेस्ट किया वो था 32 रुपीज़ पर पर्सन, या उसको लिख देते हैं पर, ओके, मैं स्लैश देने के बाद भी पर लिखता हूँ जो कि गलत है। अगर मैंने ये स्लैश लगा दिया, ये सिंबल मतलब पर मतलब डिवाइड, 30 रुपीज़ पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब पर्सन, 32 रुपीज़ पर कैपिटा पर डे,
और शहर के लिए कितना था? ये था 47 रुपीज़ पर कैपिटा पर डे। ठीक है, ये पावर्टी लाइन बनी। जब ये पावर्टी लाइन बनी तो फिर इसके हिसाब से पावर्टी रेशियो या पावर्टी कितना निकल कर आई। तो इन्होंने ये जो पावर्टी लाइन सजेस्ट किया कि ठीक है, और यही पे अगर हम कंपेयर करें तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या 27 रुपये और 33 रुपये सजेस्ट किए, इन्होंने 32 रुपये और 47 रुपये सजेस्ट किए हैं। तो इनके हिसाब से इंडिया में, इनके हिसाब से मैं ऑल इंडिया डेटा की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पावर्टी रेशियो एच की बात कर रहे हैं। तो पावर्टी कितना निकल कर आई? पावर्टी निकल कर आई 29.5%, यानी हमारे देश में लगभग 30% लोग गरीब हो गए हैं, अगर हम ये पावर्टी लाइन गांव और शहर के लिए मान के चले तो, भारत के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा था, ये पावर्टी मतलब 30% पावर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी ने जो पावर्टी लाइन सजेस्ट किया या इन्होंने जो इस्टीमेट किया, इसको बहुत सारे स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया अपने यहाँ पावर्टी लाइन के तौर पे। लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हैज प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल फेयर पावर्टी लाइन नहीं है। उनके हिसाब से प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के पावर्टी लाइन ज़्यादा फेयर है। और जिन भी स्टेट ने प्रोटेस्ट किया इस पावर्टी लाइन को, उनके प्रोटेस्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि इस पावर्टी लाइन के हिसाब से उनके यहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा आ गई। तो गवर्नमेंट, कोई भी राज्य की सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके यहाँ मतलब उसके लोगों को पता चले कि उनके यहाँ कितनी गरीबी है, कितना दिक्कत है, कितना प्रॉब्लम है। तो जो भी पुअर स्टेट्स हैं जिनके यहाँ इस पावर्टी लाइन की वजह से पावर्टी बहुत ज़्यादा आ गई, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने बोला हम इस पावर्टी लाइन को नहीं मानते। और जो स्टेट्स रिच हैं, प्रॉस्परस हैं, जिनके यहाँ और जो इस पावर्टी लाइन के बाद भी जिनके यहाँ पावर्टी नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, उन्होंने इसको अप्रिसिएट किया। तो कुछ स्टेट ने डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी के रिपोर्ट को अप्रिसिएट किया, लाइक दिल्ली, लेकिन बाकी स्टेट्स ने इसको बहुत ही प्रोटेस्ट किया। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस डॉक्टर सी रंगराजन का ये जो पावर्टी लाइन है, इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऑफिशियली प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की ही पावर्टी लाइन ऑफिशियल पावर्टी लाइन है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब एक बात और देखते हैं। तो अब हम एक बात समझ सकते हैं कि अब एक आप यहाँ पे यही पे एक एनालिसिस देख लीजिए। ओके, इसको स्क्रॉल करते हैं। आप यहाँ पे अब एक बात देखिए, लकड़वाला कमेटी ने मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी सर्वाइवल एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी सिर्फ फूड आइटम्स के आधार पर उन्होंने पावर्टी लाइन बनाई। तो ये पावर्टी लाइन किसकी थी? PL1, ये थी लकड़वाला कमेटी की पावर्टी लाइन हो गई। इसके ऊपर पावर्टी लाइन दैट इज PL2, ये क्या था? 27 रुपये और 33 रुपये, ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी तेंदुलकर कमेटी ने। ठीक है, और ये ज़्यादा हॉलिस्टिक था बिकॉज यहाँ पे हमने बात किया था बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ की, यहाँ पे खाली फूड की बात हुई थी, इसलिए ये बहुत ही लो है यहाँ पे बास्केट। और जो सी रंगाराजन कमेटी है, यानी ये जो सी रंगाराजन कमेटी है जिसको भी मैंने पढ़ाया, इसने मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो पावर्टी लाइन बनाई वो थी PL3। PL3 मतलब इन्होंने पावर्टी लाइन को बढ़ा के 27 रुपये के बजाय गांव के लिए 32 कर दिया और शहर के लिए 47 रुपये कर दिए। ठीक है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा फेयर है, बिकॉज अगर डॉक्टर सी रंगाराजन ने, उनकी कमेटी ने
एनएसएसओ के डेटा के बेसिस पे इसे एस्टिमेट किया तो इट इज़ मोर फेयर, ठीक है। पर चूंकि ये नंबर्स ये इतना रुपए पर पर्सन पर डे के हिसाब से इंडिया में नेशनल पावर्टी तो 30% हो गई, और स्टेट वाइज उड़ीसा उड़ीसा में तो पावर्टी, बिहार में पावर्टी बिकम मोर देन 50%, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट इट। तो ये लाइन, ये पावर्टी लाइन जो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी का, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग, ठीक है, बिकॉज उनको अपनी पिछड़ापन दिखाना नहीं था, उनको अपने पिछड़ापन को छिपाना था, और वो छिपाने के लिए उन्होंने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी के पावर्टी लाइन को ही एक्सेप्टेंस दिया, और सरकार ने भी इस पावर्टी लाइन को मानने से मना कर दिया, बिकॉज सरकार के लिए भी इतना देश में गरीबी एक्सेप्ट करना मुश्किल था, बिकॉज फिर हमें यूनाइटेड नेशंस में और फिर बाकी जगहों पे वो चीज़ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थी हमारे देश में पावर्टी एस्टिमेशन को लेके बातें, ठीक है। तो आज के डेट में पावर्टी एस्टिमेशन किसके अंतर्गत आती है? नीति आयोग के अंदर आती है। एज सच नीति आयोग ने अभी तक कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं किया है। अभी तक इंडिया में जो भी पावर्टी लाइन एस्टिमेट हुई है, मतलब मैंने बता दिया, दो इम्पॉर्टेंट थी, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगाराजन कमेटी। ऑफिशियली अभी भी इंडिया में जो पावर्टी लाइन चल रही है वो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन है। उनकी पावर्टी लाइन को ही हर स्टेट अपने यहाँ सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडेक्स या एडजस्ट करके अपने यहाँ पावर्टी लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं कि अब एक बात और कर लेते हैं कि अगर पावर्टी लाइन, चलिए पावर्टी लाइन को बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीपीआई हेडलाइन के साथ एडजस्ट किए थे तो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वापस से इंडिया में ऑफिशियली पावर्टी लाइन कौन सी एक्सेप्टेड है। प्रोफेसर सुरेश तंद्रो कमेटी के हिसाब से, इनके हिसाब से क्या था, इन्होंने जो पावर्टी लाइन सजेस्ट किया था, जब उसको 2011-12 के प्राइसेस से एडजस्ट किया गया तो वो पावर्टी लाइन क्या बनकर आई, 2011-12 के प्राइसेस पे एडजस्ट करने के बाद पावर्टी लाइन ये रख लेते हैं रूरल के लिए, और यहाँ रख लेते हैं पावर्टी लाइन फॉर अर्बन, अर्बन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर्टी लाइन आई 27 रुपये पर पर्सन पर डे, यहाँ पावर्टी लाइन आई कितना, 32 रुपये 40 पैसे पर पर्सन पर डे। अगर आप इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दें, 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹810 पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है। और जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ₹972 पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आज की डेट में, अब चूंकि जो भी पावर्टी लाइन है, ये जो पावर्टी लाइन है इसको, मतलब अगर हमें किसी भी, मतलब किसी भी ईयर में देखना है कि पावर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए, तो इसी पावर्टी लाइन को हमें सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। तो ये जो पावर्टी लाइन है 810 और 972, ये बनी है 2011-12 के प्राइसेस पे। ये दोनों के दोनों जो पावर्टी लाइन हैं ये बनी है 2011-12 के प्राइसेस पे, और अगर आज की डेट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो 2012 में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, बेस ईयर इसका 2012 है, आप 2011-12 पे लिख लें, अगर 100 रुपीज़ था तो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन जुलाई 2023 में कितना है, ये इंडेक्स नंबर यानी सीपीआई कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, बेस ईयर 2012, बेस वैल्यू 100 यानी इंडेक्स वैल्यू, आज की डेट में सीपीआई इंडेक्स वैल्यू कितना है, 186.3, ठीक है। यानी कि इंडिया में ऑन एन एवरेज जो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन है 2011-12 से अब तक, वो है 86.3% ऑन एन एवरेज 2012 से 2023 तक।
अगर आप ये अगर 2011-12 में ये पावर्टी लाइन था, अगर आज आपको जुलाई 2023 में पावर्टी लाइन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? इस 810 का आप 86.3% निकाल के इसमें ऐड कर दें, या आप ये कह लें कि अगर 100% इज इक्वल टू 810, ठीक है, तो इस 810 का अगर आप 186.3% निकाल लेंगे तो भी आप ऐसे ही कर लीजिए, 810 का 86.3% निकाल लें, ये वैल्यू जो भी आएगी इसको जब हम 810 में ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू निकल कर आएगी ₹1506.6, यानी अब ये पावर्टी लाइन होगी 2023 के लिए, यानी ₹1506 पर कैपिटा पर मंथ अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है गांव में तो वो पुअर नहीं है। और शहर के लिए क्या हो जाएगा? शहर के लिए हो जाएगा इसी 972 का 86.3/100, ये वैल्यू जो निकल कर आएगी इसको 972 में ऐड कर दीजिए तो ये कितना आएगा? ये निकल कर आएगा कुछ ₹1807, ₹1807.9। यानी 2011-12 में पावर्टी लाइन क्या थी? 810 और ₹972 तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। और आगे के सालों में जो भी पावर्टी लाइन बनेगी वो सीपीआई हेडलाइंस इंडेक्स, क्योंकि देखिए जो हम बास्केट ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन पे जो भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, यानी प्राइसेस बढ़ने से हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना बढ़ा है, वो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इन पावर्टी लाइन को सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें तो हमें कि वर्तमान टाइम की पावर्टी लाइन, तो वर्तमान में पावर्टी लाइन ये हैं ये हैं, ये किसके लिए है? रूरल इंडिया के लिए, ये अर्बन इंडिया के लिए। इसी को बोलते हैं पावर्टी लाइन को सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर देना या उसको एडजस्ट कर देना। तो ये सारी बातें हो गई पावर्टी एस्टिमेशन को लेके। ठीक है, टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि आज के डेट में इंडिया में जो पावर्टी लाइन है वो प्रोफेसर सुरेश चंद्र कमेटी के हिसाब से है। 2011-12 में वो पावर्टी लाइन थी ₹2703 पर पर्सन पर डे, आज की डेट में वो है ₹1506 पर पर्सन पर मंथ और ₹1807 पर पर्सन पर डे, क्योंकि मैंने उसे सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया। और जो भी पावर्टी लाइन इंडिया में है, अलग अलग स्टेट में ये पावर्टी लाइन अलग अलग होती है, बिकॉज हर स्टेट में इन्फ्लेशन लेवल अलग है, ठीक है, पर बास्केट ऑफ कमोडिटी सेम रहती है, कंजम्पशन भी सेम रहता है, गांव और शहर में रेंट का फ़र्क होता है, और कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द इनकम, और इसीलिए हम पावर्टी लाइन इस्टीमेट करते हैं मीडियन हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को लेकर। और क्या हो सकता है और देखिए, और तो सिर्फ फूड को अकाउंट में लेकर पावर्टी लाइन बनाना इज ए रेडिकुलस थिंग, क्योंकि फूड इज अ वेरी बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल, विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव, बट अपार्ट फ्रॉम फूड देर आर अदर वेरी वेरी बेसिक एमिनिटीज, ओके, दे आर नॉट लग्जरी, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर। तो लकड़वाला कमेटी ने जो पावर्टी लाइन बनाया था वो रेडिकुलसली लो था, और वो रेडिकुलस लो पावर्टी लाइन बनाया गया था क्योंकि पावर्टी को कम दिखाना था, वरना पावर्टी रेशियो या जो आप ये पावर्टी है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कोई देश, और अभी भी जो हमने कंजम्पशन बास्केट रखा है वो अभी भी बहुत बेसिक एमिनिटीज़ को अकाउंट में लेके रखा है, अगर कल की डेट में सरकार, कल की अब नीति आयोग काम कर रही है, कल की डेट में नीति आयोग अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाती है और अगर वो इस कंजम्पशन बास्केट को बड़ा कर देते हैं, यानी उस कंजम्पशन बास्केट में अब कुछ और ड्यूरेबल आइटम्स, कुछ और चीज़ें डाल देते हैं, और वो इसी तरह से एक मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पे डेटा यूज करके अगर पावर्टी लाइन बनाएंगे तो वो और बड़ी आएगी, यानी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बास्केट को जितना बड़ा करते जाएंगे पावर्टी लाइन उतनी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि कोई देश अगर रिच है तो वहाँ जो मीडियन फैमिलीज हैं उनका भी इनकम मॉडरेटली हाई होगा, या मतलब इट इज़ वेरी मतलब रिजनेबली हाई। तो अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है, तो वहाँ मॉडरेट जो मीडियन फैमिलीज हैं उनका भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बड़ा होता है, तो उनके लिए पावर्टी लाइन बड़ी आती है। क्यों? क्योंकि हम मीडियन हाउस होल्ड कहीं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा देख रहे हैं। अगर कोई देश महागरीब है लाइक पाकिस्तान,
वहाँ पे मीडियन हाउस होल्ड के डेटा के आधार पे पॉवर्टी लाइन बनाएंगे, वो इससे भी रिडिकुलसली लो होगा। ये तो फिर भी इट इज़ फेयर एंड रीजनेबल। और ये फेयर रीजनेबल कब है? जब हम इसको गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम और स्कीम के साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो जो कुछ था वो मैंने लेक्चर नंबर 53 में बताया है कि ये जो आपको आज की डेट में प्रोफेसर सुरेश तंदुरकर कमेटी के पावर्टी लाइन के हिसाब से जब हमने सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन को इंडेक्स करके बनाया, तो ये जो 1506 और 1807 रुपये पर पर्सन पर डे आ रहा है, पर पर्सन पर मंथ आ रहा है गांव और शहर के लिए, ये रीजनेबल है अगर आप इसे पीडीएस से लिंक करके देखें, आप इसे फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज से लिंक करके देखें, सरकार की अदर जो भी वेलफेयर योजनाएं हैं उनसे लिंक करके देखें, तो ये ठीक ठाक आपको लगेगा। लेकिन सरकार के वेलफेयर योजनाओं को या सब्सिडी प्रोग्राम्स को हटा कर देखेंगे तो ये बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। तो ये सब हो गई पावर्टी एस्टिमेशन को लेकर। तो हमने इसको लेक्चर नंबर 54-55 में ख़त्म कर दिया। मैंने काफ़ी हॉलिस्टिक अप्रोच रखा। और देखिए, आप कंजम्पशन बास्केट को जितना बड़ा करते जाएंगे, आपका पावर्टी मेजर करने का अप्रोच उतना ब्रॉड होते जाएगा, पावर्टी लाइन उतनी बड़ी होती चली जाएगी, नहीं उतना हायर वैल्यूज़ पे पहुंचती चली जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान के पावर्टी लाइन उनकी गरीबी के हिसाब से होता है। वहाँ मीडियन हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लो हैं, उनकी बास्केट साइज़ और छोटी है। हमारे यहाँ उनसे बड़ी है तो हमारी पावर्टी लाइन उनसे बड़ी है। अमेरिका में मीडियन हाउस होल्ड के कंजम्पशन बास्केट हमसे कहीं बड़ा है तो उनका पावर्टी लाइन हमसे कहीं बड़ा है। इसी तरह से ये होता है। और अलग अलग एक देश में अलग अलग रीजन अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग पावर्टी लाइन होती हैं वहाँ के प्राइसेस के साथ। तो ये पावर्टी लाइन बनी रही है उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा वहाँ के प्राइस से अफेक्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो इट डिफर्स बाई डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन लेवल एंड एज द टाइम प्रोसीड वी हैव टू एडजस्ट इट विद सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।